हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्रेटा बेस मॉडल की कुछ फीचर। अनलॉक अनलॉक करने पर जो साउंड आती है उसको, जिससे कि आप बेस मॉडल पहचान सकते हैं साइड फेंडर से कि ये बेस मॉडल है। और ये की आती है बेसिकली उसके ऊपर नॉर्मल लॉक अनलॉक और बूट का जो ऑप्शन आता है, ये मैंने कवर अमेज़ोन से लिया है। काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी की को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जैसे कि हमने आज बताया है कि आपको की के कुछ फीचर बताएंगे, फीचर आपको बाद में बताएंगे, बट फिलहाल एक लॉक अनलॉक करने पर जो साउंड आती है हॉर्न की, उसको म्यूट और अनम्यूट कैसे करें। अगर फिलहाल देखो जैसे कि मेरा म्यूट है, तो इसको अनम्यूट करने के लिए मुझे लॉक अनलॉक की को प्रेस करके रखना पड़ेगा और 10-10 5 सेकंड ये इंडिकेटर 3 बार ब्लिंक करेंगे तो आप समझ जाना आपकी कार अनम्यूट हो चुकी है। उसी टाइप से आप म्यूट भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक फीचर बताऊंगा जो शायद ही आपको अभी तक किसी ने आपको बताया होगा कि कार को आप अनलॉक करते हो 10-5 सेकंड के बाद आपकी कार ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। जैसे आप अनलॉक कर भूल जाते हो कभी कभी, तो उसके लिए एक फीचर दिया गया है इस क्रेटा में जो आपकी कार ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी अगर आप डोर वगैरह ओपन नहीं करते हो, तब ये लागू होता है। देखिए अब इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, चाबी रही आपके सामने। अभी ब्लिंक करें ये इंडिकेटर, तो ये आपकी कार लॉक हो चुकी है। और अगर आपको ये जानना है कि मैंने अपने बेस मॉडल के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई हैं, जो कि ये फ़िलहाल आपके सामने है, मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये जानना है कि मैंने अपनी बेस मॉडल के अंदर क्या क्या कराया है और कितना खर्चा आया है इसके अंदर, तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।